कम लोग किन्ने ने पैसे तुसी इन्होंने ने सारे बस खाना बचा वो भी ना खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखें। थोड़ा टाइम निकाल कर हमारे लिए भी दुआ कर लिया करें सब व्यूवर्स, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर नाश्ते में है खुश्क रोटी, और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा घी रखा है, और साथ में इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी शुगर। शुगर में टेस्ट के हिसाब से ही शामिल करूँगी जितनी मेरे हस्बैंड ने खानी है, कि यही मैंने 1.5 चम्मच बड़े जो है इसमें शामिल किए हैं। और फिर मैं इस रोटी की बना लूँगी चूरी मिक्स करके, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हाथ नहीं लग रहा, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और फिर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जनाब, यहाँ पर हमने चूरी कर लिया जी मिक्सा मिक्स, और फिर साथ में है जनाब चाय, बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी रेडी है। अभी सर्व करते हैं इन सारी चीज़ों को और लेकर चलते हैं रज़ाक साहब के सामने। इसके बाद जनाब आज के अगर मौसम की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मिट्टू भी वाक कर रहा है, इंजॉय कर रहा है मौसम को, धूप निकली है, बड़ा प्यारा मौसम है। अभी तो ऐसा लग रहा है गर्मी शुरू हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। बर्तन कुछ मैंने धोए हैं और कुछ ये रह गए हैं, क्योंकि रात को था ख़त्म, मैंने आपको बताया था, तो ये सारे बर्तन वही इकट्ठे हो गए थे रात को। कुछ मैंने धोए और कुछ रह गए थे, वो मैं अभी धो लूँगी। तो इसके बाद जनाब अंदर देखें, हमारा रूम भी अभी पूरा फैला हुआ है। पहले तो होगी रूम्स की सफाई, इसके बाद बर्तन धो लूँगी। दूध मैंने रखा है उबालने के लिए, दो बड़े देगचे रखे हैं और एक छोटी सी देगची रखी है। छोटी देगची में मैं चाय बना रही हूँ, बड़े पतीलों में जो है दूध गर्म कर रही हूँ। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, जैसे ही दूध गर्म हो गया उसके बाद मैं आ गई, मैंने बर्तन धोए। अभी मैं इन सारे बर्तनों को संभाल लूँगी। बर्तन धोना तो ये 10 मिनट का काम था, फटाफट से मैंने बर्तन धोए। और ये जो बोतल है ये है दूध वाली। दिन के खाने की अगर बात की जाए तो इसमें ये मैंने अपने लिए सैलड बनाया, क्योंकि रज़ाक साहब तो आज दिन को नहीं आए खाना खाने के लिए। तो चने हैं उबले हुए काले, बंद गोभी, सेब, मेरा सुबह खाने का सेब दिल नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा दिन के टाइम सैलड में मैं खा लूँगी। एक अदद शलजम है, खीरा है, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने प्याज ली है। और इन सारी चीज़ों से मैंने एक बाउल भर कर सैलड तैयार कर लिया, और इसमें ये काले चने शामिल करूँगी। मैं इस सारे सैलड में कोई नमक वगैरह शामिल नहीं करती, इसका टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ मैं हरी मिर्ची के साथ ही बनाती हूँ, वही खाती हूँ मैं। प्याज भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है जस्ट फॉर टेस्ट। दिन के खाने के बाद दूध जो है हो गया था ठंडा, इसको मैंने फ्रिज में रखा था, तो अभी इस पर से मैं उतार लूँगी मलाई। और फिर जो है नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर दूसरे पतीले से भी हम मलाई निकाल लेते हैं। शाम के खाने में आज था जनाब रात वाला ही सालन शलजम और चिकन का। इसको मैंने गर्म किया है, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और थोड़ा सा गर्म भी अच्छी तरह से हो जाए। अभी से हम कर लेंगे थोड़ा सा गर्म, और इसके बाद फिर जो है रात वाले चावल थे वो भी मैं गर्म करूँगी। आज मैंने जो है ना खाना घर ये नहीं बनाया, ये भी तो मैंने रात को घर पे ही बनाया था, ये पड़ा हुआ था रात वाला, तो इसलिए मैंने और नहीं बनाया, क्योंकि रिज़्क ज़ाया करना बहुत ही बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है।
इसलिए मैंने दूसरे दिन भी वही खाना चला लिया। वैसे भी इतनी ज़्यादा महंगाई है, बंदा क्या करे। तो ये हो गया है सालन यहाँ पर गरम, और इसे हम कर लेते हैं डिश आउट। जिस डोंगे में मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, उसी में मैंने फिर दोबारा से डाल लिया। तो यहाँ पर जो है फ्रिज के जमे हुए चावल, इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे और फिर सर्व कर लेंगे। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने मिक्स वेजिटेबल्स वाले चावल बनाए हैं, ये वही चावल हैं। तो आज हम इन्हें गर्म करके दोबारा से फ्रेश कर लेंगे और फिर खा लेंगे। इसके बाद रोटियां जो हैं वो रज़ाक साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक बड़े लेट हो गए हो। ठीक ठाक लेट ही होना सी, फिर रोटी ना खाना वा पूरियां बाद तक ना पैदा। नहीं मैं कह रहा है ना, वो नहीं तो फिर पूरी बाग दी सारा तक लगी है, किस तरह रोटियां में अपनी लै गए तक ना इनका आयो दस क्या सामान किता है ना। तुसा क्या क्या यार, मैं भूखा ही मरा, मैं ना रोटी ना खा, क्यों भूखे मरो, मैं रोटी ना खा, सिर्फ क्यों ना काम खाओ, करा। खाओ। हाँ कम लोग कितने पैसे तुझे इन्होंने सारे पास खाना बचा वो भी ना खाइए। वाह आज तो फूल खुशबू दे वो उन्होंने कुछ है रुकी खा जाए ना ना सालनी जाके ना खा। ना ना देसा ना साला ना, हाँ क्या हो गया वे? ओए अल्लाह देने साला भुखन पाना से लेने लगे हैं, हुआ ना पानी ना पूछा ना रोटी ना पूछा ना कुछ है, बस पैसे दियो पैसे दियो, तो कितनी महंगाई हो गई है। पैसों की जरूरत होनी है हाँ ना। मैं एक सिगरेट छिकना था 120 एंड डब्बी लगनी चाहिए, जो भी 250 निकाल छोड़ जाए ओहो सरखे पवे जे कानून की तो जे सिगरेटा की भी। आज फुल गुस्से जो। चलो अल्लाह खैर कर सी, महंगाई दूर हो जासी। चंगी महंगाई दूर हो सी, सारी दूर निकल गई है। आज लगना ज्यादा ही धूड़ निकली है। हाँ ठीक है फिर हूँ क्या करा, ठहर जाओ ना, रुखी मैं खा सालन देनी आ, ठहर जाओ। खा से रुखी खा से टेडी पर नहीं ना। नहीं देनी आ ना, ठहर जाओ। गरम करने ते रखे ना चावल, भी गरम करन लगी हां मैं, सीधा सुनी आ, एक मिनट ठहर जाओ, तो मैं ना खाऊं कोई खाओ क्या भी ना खाऊं, खाओ, क्यों ना पूरियां खाओ वाह वाह के तकनी है। ना, को ना तकनी। ये तक मैं सोती चावल भी गरम किते ना, सालन भी गरम किते है, फिर खाओ भी तो तुसा गुस्सा। मैं जा अरे फिर जाना है ना ते दूध इतना बचे या पे काम है को नहीं, पैसे बचने को नहीं, क्या करा पहले तो इनका शम्मा तो नहीं, पटक पटक गया लत्तां टूट गई हैं बाहों टूट गई हैं, ये मैं अखा तो क्या किसम गई हैं, पूरी नींद ही नहीं होनी। ओहो चलो अल्लाह खैर करसी। अल्लाह का खैर करती पर बंदे की पता नहीं क्या हो गया, भूखे ही हो गए सारे, सारे गुरु हमने कोई भी नहीं। जी तो व्यूवर्स, आपने महंगाई का रोला सुन लिया होगा। तो ये देखें रोटी तो उधर, ये खुश्की खाना शुरू हो गए थे और फिर हम इससे अंदर लेकर आए, इधर भाई भी बैठे हुए हैं, इनके साथ ही हम खाना खाते हैं इकट्ठे। तो भाई तो चावल खा रहे थे और रजाक साहब रोटी, मैं भी इनके साथ रोटी खाऊंगी। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।